Let's continue with English Junction. Lesson 2. The Land of the Little People. Bone Logo Ka Shahar. The story is adapted from Gulliver Travel by Jonathan Swift. ये story Gulliver Travel से ली गई है, जो कि Jonathan Swift के द्वारा लिखी गई है. Gulliver is an Irish surgeon and sailor. गुलीवर जो हैं वो एक बहुत अच्छे सेलर हैं. ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉयजेस देयर इज अ ग्रेट स्टॉर्म एंड द शिप ऑन विच ही इज सेलिंग सिंक्स. एक बार जब वो अपनी यात्रा में थे, बहुत बड़ा तूफान आया और जो शिप वो चला रहे थे उससे वो बचाने की कोशिश करते करते तूफान में फंस जाते हैं. ही मैनेज टू स्विम टू लैंड. वो कोशिश करते हैं कि मैं तैरते हुए किसी ज़मीन पर चला जाऊं. गुलीवर वॉज टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास नियर द श्योर. गुलीवर तैरते तैरते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हरी हरी घास है, यानी वो समुद्र का किनारा है जहां वो पहुंच जाए. ही स्लीप्स साउंडली फॉर मैनी आवर्स. वो बहुत समय के लिए सोते रहे क्योंकि वो थक गए थे. व्हेन ही वोक अप इट वॉज डे लाइट. ही ट्राइड टू गेट अप बट कुड नॉट. जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा कि दोपहर की, यानी सुबह हो गई है, दोपहर हो गई, रोशनी हो चुकी है. He tried to get up but could not. His legs, arms and hair were tied to the ground. He could not move his body or turn his head. He was afraid. जब उनकी आंखें खुली तो वो उठना चाहते थे लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके हेयर, लेग्स, आर्म्स सब कुछ जमीन से बंधे हुए थे. वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहे थे, इस वजह से वो डर गए. Then a strange thing happened. तभी एक आश्चर्यजनक चीज़ होती है. Gulliver felt something moving first along his left leg and then on his chest. उन्होंने देखा कि उनके left leg पर और chest के आसपास कुछ है. Looking down he saw a little man not more than 6 inches. उन्होंने देखा कि उनके आसपास कुछ छोटे छोटे लोग हैं जो 6 inch से ज़्यादा बड़े नहीं हैं और उनके हाथ में तीर और कमान है. विथ अ बो एंड एरो इन हिज हैंड. अबाउट 50 अदर लिटिल मैन फॉलोड हिम ऑल कैरिंग बोर्स एंड एरोस. उनके साथ 50 और ऐसे बोने लोग हैं जिनके हाथ में तीर और कमान है. गुलीवर शाउटेड लाउडली एंड पुल्ड हिज आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड. गुलीवर जोर से चिल्लाता है और अपने आप को ज़मीन से ऊपर उठाने की कोशिश करता है. इस चक्कर में जो उसके ऊपर रस्सियाँ बंधी हुई है वो कुछ कॉर्ड की जो है वो टूटती हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूट पाती. ही डिड नॉट ट्राई टू कैच एनी ऑफ द लिटिल मैन. गुलीवर उन बौने लोगों को पकड़ नहीं पा रहे थे. Instead, he made a sign to them and they stopped shooting arrows at him. Then he brought the finger of his right hand to his mouth to show that he wanted food. उसके बाद गुलीवर ने इशारा किया कि मुझ पर तीर कमान छोड़ना बंद करें और उन्होंने अपने फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स को अपने मुंह की तरफ इशारा करके बताया कि उन्हें खाना खाना है, उन्हें खाने की ज़रूरत है, उन्हें भूख लगी है. द लिटिल मैन अंडरस्टूड एंड सून ब्रॉट सेवरल बास्केट ऑफ फूड एंड 2 barrels ऑफ वाइन. बौने लोग समझ गए गुलीवर को खाना चाहिए, तभी वो खाने का इंतज़ाम करते हैं और गुलीवर के लिए सेवरल बास्केट फूड, यानी बहुत सारी बास्केट भर के फ्रूट और 2 barrels वाइन की लेके आते हैं. द फूड कंसिस्ट ऑफ लैग ऑफ मटन एंड लोव्स ऑफ ब्रेड. खाने में बहुत सारा मटन और लोव्स रहता है. द मैन पुट देयर लॉन्गेस्ट लैडर अगेंस्ट द गुलीवर साइड एंड क्राइड द बास्केट ऑफ फूड. उन बौने लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी सीढ़ियों से गुलीवर के मुंह में खाना पहुंचाना शुरू किया. गुलीवर च्यूड एंड स्वॉलोड 2 or 3 लेग्स ऑफ मटन एंड 3 ऑफ टाइनी लोव्स एट अ टाइम. गुलीवर एक बार में 2 से 3 लेग ऑफ मटन और 3 टाइनी लोव्स एक ही बार में
फिनिश कर देते थे। आफ्टर ही हैड एम्प्टीड द बास्केट द लिटिल मैन रोल द बैरल ऑफ वाइन ओवर हिज चिन एंड ओपन द टॉप्स। बास्केट का खाना ख़त्म होने के बाद बोनो ने वाइन की जो बैरल्स हैं उनके टॉप को खोलते हुए वो वाइन की बैरल्स भी गुलिवर के मुंह तक पहुंचाई। बट दे हैड नो मोर टू गिव हिम। गुलिवर फेल्ट बेटर नाउ। बस वो खाना अब फिनिश हो गया था। अब गुलिवर कुछ अच्छा फील कर रहे थे क्योंकि उनका पेट थोड़ा भर चुका था। बोनो ने उनके मुंह तक सीढ़ियों से खाना पहुंचाया था और गुलिवर क्या करते थे, एक ही बार में 2 से 3 लेग मटन और जितने भी बैरल वाइन हैं वो एक ही बार में फिनिश कर देते थे क्योंकि वो बोनो का खाना था, है ना। द किंग एंड क्वीन ऑफ दिस लिटिल पीपल लिव इन द कैपिटल अबाउट हाफ अ माइल फ्रॉम वेयर गुलिवर वॉस। जो लिटिल पीपल के किंग और क्वीन थे वो कैपिटल में रहते थे और जहाँ गुलिवर था वहाँ से कम हाफ अ माइल वो कैपिटल थी। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द मैन माउंटेन टू हिम। किंग ने ऑर्डर दिया कि वो जो बड़े से इंसान है, माउंटेन जैसा इंसान है, उसे कैपिटल में लाया जाए। इट वॉज नॉट ईजी थिंग्स टू डू। ये कोई आसान काम नहीं था। बट द लिटिल मैन वर वेरी क्लेवर। पर जो लिटिल मैन थे वो बहुत चतुर थे। दे मेड अ लॉन्ग कैरेज विच वॉज 3 inches हाई। उन्होंने एक गाड़ी बनाई लकड़ी की जो ज़मीन से 3 inch ऊपर थी एंड हैड 22 wheels। उस गाड़ी में 22 wheels थे। 900 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अमंग देम रोल गुलिवर ऑन इट एंड फैसिनेटेड हिम सेफली। 9,000 बोने, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोने लोग थे, उन्होंने उस गाड़ी को ढकेला और गुलिवर को सेफली वहाँ से ले जाना शुरू किया। 1,500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्स पुल द कैरेज अलोंग द रोड। राजा के 15,000 घोड़े उस गाड़ी को धकेल के ले जाने में उनकी मदद करते हैं, है ना। बौने लोगों ने क्या किया, अपनी चतुराई से एक लकड़ी की गाड़ी तैयार की। उस गाड़ी में कितने व्हील्स थे, 22 व्हील्स थे और 9,000 ताकतवर बोनों ने उस गाड़ी को धकेलना शुरू किया, है ना, और गुलिवर को वहाँ से ले जाने में गाड़ी से मदद की और वह 15,000 घोड़े भी वो गाड़ी को खींचने लगे। द नेक्स्ट डे गुलिवर वॉज ब्रॉट टू द कैपिटल। अगले दिन तक गुलिवर उस गाड़ी से खींचते हुए कैपिटल तक पहुँच गए। द यूनाइटेड his hand and legs and allowed him to stand up because now they knew that he did not intend to harm them. अब गुलिवर को थोड़ा सा आज़ाद कर दिया गया था, उनके हाथ पैर खोल दिए गए थे, है ना, ताकि वो खड़े हो सके। But they chained his left foot to the carriage with 90 tiny chains to prevent him from escaping. पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए बोनो ने गुलिवर के लेफ्ट पैर में 90 जो छोटी छोटी चेन होती है ना उससे गुलिवर को बांध रखा था अपने प्रिवेंट के लिए, ताकि गुलिवर उनको हार्म नहीं पहुंचा सके। द किंग द क्वीन एंड द 1,000 ऑफ लिटिल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन केम टू सी द मैन माउंटेन। इतने बड़े विशाल काय इंसान को देखने के लिए वहाँ के राजा रानी और वहाँ की जो प्रजा थी गुलिवर को देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गई। मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर फ्रेंडली टू गुलिवर बट सम ऑफ देम वेयर हॉस्टाइल एंड स्टार्टेड शूटिंग एरो एट हिम। बहुत से लोग गुलिवर के साथ फ्रेंडली हो चुके थे लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ऐसे थे जो अनफ्रेंडली थे गुलिवर से। उन्होंने क्या किया, गुलिवर के ऊपर फिर से तीर कमान छोड़ना चालू कर दिए। गुलिवर स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड कॉट 6 ऑफ द मैन। गुलिवर ने अपना हाथ उठाया और उनमें से 6 बोनों को अपने हाथ में उठा लिया। ही पुट 5 ऑफ देम इनटू हिज पॉकेट एंड प्रिटेंड टू ईट द 6th one। उन्होंने 6 बोनों को उठाकर पॉकेट में रखा और उनमें से एक बोने को खाना शुरू कर दिया।
क्योंकि गुलिवर बहुत परेशान हो चुके थे, वो बौने लोग उन्हें बहुत परेशान कर चुके थे, तो उन्हें डराने के लिए गुलिवर ने 6 बौनों को उठा के अपने पॉकेट में रखा और एक को खाना शुरू कर दिया। द मैन स्टार्टेड क्राइंग एंड गुलिवर लेट देम गो। वो बौने रोने लगे और गुलिवर से कहने लगे कि हमें छोड़ दो, है ना। वो डर गए और गुलिवर से कहने लगे हमें छोड़ दो। गुलिवर लिव हैप्पीली ऑन दिस आइसलैंड फॉर मैनी मंथ्स। गुलिवर ने खुशी खुशी उस आइसलैंड पे कई महीनों तक रहना पसंद किया। द किंग अपॉइंटेड 300 कुक टू प्रिपेयर हिज फूड एंड 300 टेलर टू मेक अ न्यू सूट फॉर हिम। गुलिवर के लिए राजा ने करीब 3,000 कुक और 3,000 टेलर का इंतज़ाम किया ताकि गुलिवर के लिए खाना और कपड़ों का बंदोबस्त हो सके। 6 ऑफ द वाइसेस्ट मैन टॉट हिम द लैंग्वेज ऑफ द आइसलैंड। 6 बुद्धिमानी लिटिल पीपल ने उन्हें वहाँ की लैंग्वेज सिखाई। फ्रॉम दैम ही लर्न दैट द लिटिल कंट्री वॉज कॉल्ड लिलीपुट। ये सब होने के बाद गुलिवर ने ये जाना कि ये जो लैंड है, ये जो कैपिटल है बोनो का, जो शहर है, उसे लिलीपुट के नाम से जाना जाता है या लिलीपुट कहा जाता है। सो हाउ वॉज द स्टोरी स्टूडेंट्स, आपको बौने लोगों की और गुलिवर की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।